बहुत से पाकिस्तानी भाई और मुसलमान भाई नौ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और 1997 में हमारी हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन जो थी वो जीरो थी और अब अल्लाह के फजल करम से हमारे दस मुसलमान भाई और बहनें जो है, माशाल हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं और माशाला, माशाला नौ माशाल। हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो हैं हाउस ऑफ कामन्स में हैं तो मैं कहना ये चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहन दुनिया में जहाँ भी गए हैं इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं अगर ये बिज़नेस में गए हैं तो माशाल्लाह वहाँ पर ना सिर्फ़ इन्होंने अपना काम किया है लाखों के हिसाब से अंग्रेज़ों को भी वहाँ पर रोज़गार इन्होंने फ्राहम किया है अगर ये मेडिसिन में गए हैं प्रोफेशन में गए हैं कामयाब हुए हैं पॉलिटिक्स में गए हैं कामयाब हुए हैं तो यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ सिर्फ गाइडेंस और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और इन लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बहुत बेहतरी के हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं सही अच्छा सरवर साहब मुझे बताइए अपनी बाकी फैमिली के हवाले से और आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं जी मेरे चार बच्चे हैं जी सबसे बड़ी मेरी अच्छा। बेटी है वो शादीशुदा है और माशाल्लाह उसके भी दो बच्चे हैं और तीन मेरे बेटे हैं जी दो बेटे बिजनेस में हैं और एक बेटा मेरा जो है वो आपको मालूम है कि सियासत में है और माशाल्लाह वो 28 एट ईयर ओल्ड है डेंटिस्ट है प्रोफेशन में और इस हाँ। में ये इलेक्शन में मेंबर ऑफ में पार्लियामेंट बना है अच्छा सर सब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यूके में लंदन में स्पेशली जो इंसिडेंट हुआ सेवन सेवन का जो अंडरग्राउंड ट्रेन की बॉम्बिंग का इंसिडेंट था आ, उसके अलावा भी जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं अक्सर फिंगर पॉइंटिंग होती है मुस्लिम्स फिर पाकिस्तान पे नाम आता है आप मुझे बताएं कि आप बीग अ पाकिस्तानी बींग मुस्लिम आप वहाँ पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया आपने मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कभी कोई आपको इस हवाले से कोई रिजेंटमेंट फेस करना पड़ी कभी कोई चैलेंज कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ा जी नाइन अलेवन के बाद और सेवन सेवन के बाद यकीन यूरोप में और अमेरिका में जो हमारे मुसलमान भाई और बहनें रहते हैं चाहे उनका तल्ला किसी भी मुल्क से है उनकी मुश्किलात में यकीनन इजाफा हुआ है और सेवन सेवन के बाद ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम था बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था तो जब ये वाक्य हुआ है तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर उस वक्त टोनी ब्लेयर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे अपना ऑफिस से फ़ोन किया और उनके साथ मीटिंग हुई उसके बाद अपोजिशन लीडर से मीटिंग हुई एक बात जो सब मैं पोलिटिकल पार्टीज़ को इसमें क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने बड़ी ये क्लियर मैसेज भेजा कि भाई जिन लोगों ने भी ये इंसिडेंट में हिस्सा लिया है वो टेररिस्ट हैं उनका किसी मजहब से तल्लक नहीं है और किसी सूरत में भी हमारी पार्टी जो है बैक लाश जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि वो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बी एन पी के लोग हैं फाशिस्ट हैं तो वो इस इशू को एक्सप्लाइट करके मुसलमानों के खिलाफ और नफरत पैदा करना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से और कम्यूनिटी की यूनिटी की वजह से और पोलिटिकल इन्फ्लुंस की वजह से जितना बैक लाश हमें मुतव था उतना बैकलाश नहीं हुआ और अब अल्लाह के फजल करम से हालात जो हैं बहुत बेहतर हो गए हैं सही अच्छा सरवर साहब आपसे बातें तो हो रही हैं पॉलिटिक्स के हवाले से हमारी हमेशा यही कोशिश होती है जो भी गेस्ट चाहे तौर पे कोई पॉलिटिशियन आए तो हम उसकी पर्सनालिटी का लाइटर हिस्सा देखें कि आम रूटीन में क्या करते हैं आप मुझे बताएं माशाल्लाह आपके चार बच्चे एक पॉलिटिशियन है बेटी सेटल्ड है माशाला से बाकी बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर बहुत बखूबी काम करें सक्सेसफुल हैं तो टाइम कैसे आप निकाल पाते हैं मतलब पहले तो चले जब आप पॉलिटिक्स में थे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मसले मसाल होते होंगे रूटीन इस तरह की होती होगी तो शिकायतें तो बच्चे बड़ी करते कि आप हमें दे रहे। जब आपने पब्लिक लाइफ में आना है तो हाँ। उसकी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी प्राइस जो है वो आपकी बीवी को और बच्चों को पे करना पड़ती हाँ। है क्योंकि सियासत में मैं तो ये समझ के आया हूँ कि यहदत है और हर किसी का जो तकलीफ़ है जब तक हर किसी की सफरिंग को आप अपनी सफ़रिंग ना समझें हर किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ ना समझें तो फिर आपको सियासत में मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए तो उसके लिए जो सेक्रीफाइस है टाइम की देनी पड़ती है लेकिन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वाइफ में तो हम अक्सर बरतानिया में कहते हैं कि जो इंडस्ट्री जो बरतानिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है डिवोर्स इंडस्ट्री की वो पॉलिटिशन में है तो उससे बहुत प्रॉब्लम जो हैं सोशल पॉलिटिशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि वो अपने बच्चों इस को अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकते और उसके लिए काफ़ी फैमिली में टेंशन होती हैं सही अच्छा सर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसा आपने कहा नाइन्टीज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पाकिस्तानी मुस्लिम्स की और अब माशाला आठ नौ लोग जो हैं वो मौजूद हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हैं हाउस ऑफ दूसरे में हाउस ऑफ कॉमंस में भी हैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी सईदा वारसी का भी हमने सुना कि वो पार्टी की चेयरपर्सन भी इलेक्ट हो गई हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी बन रही हैं पहली खातून मुसलमान जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर बन रही हैं और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से आपसे ये पूछना चाहूंगा इस सारी डेवलपमेंट्स के बाद जो ओवरऑल द लास्ट डेकेड हुई उसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए 911 का भी हुआ 77 का भी हुआ क्या जो एथनिक इश्यूज हैं या जो रेशियल वायलेंस का कॉन्सेप्ट है एक एक मिथ बना हुआ है कि जी वहां पे एशियंस के अगेंस्ट स्पेसिफिकली रेशियल वायलेंस भी है क्या उसमें कोई कमी नुमाया कमी आई है आपके ख्याल में कोई थिंकिंग चेंज हुई है लोगों की देखें जी बात यह है कि प्रॉब्लम्स तो दुनिया में जहां कहीं भी जाएँ हर जगह मौजूद हैं तो मैं यहाँ पर बैठ के ये तो नहीं कह सकता कि हमारी सोसाइटी जो है हमारा मुल्क जो है आ, हमारी जो सियासत है परफेक्ट है लेकिन यकीनन मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी हमारे पाकिस्तानी या मुसलमान बरतानिया में रह रहे हैं उनको आ, मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो है दुनिया में इससे बेहतर मुल्क जो है कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि जिसमें जिस आज़ादी जिस के साथ मुसलमान रह रहे हैं हमारे अपने कब्रस्तान हैं हमारी अपनी मसाजिद हैं लोगों के अपने हकूक हैं अपनी बिजनेस हैं और उनको पूरा जो है वो तहफ़ जो है वो हासिल है वरना इक्का दुक्का वाक़ होते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जब जो इंग्लिश डिफेंस लीग और स्कॉटिश डिफेंस लीग बनी है ये ब्रिटिश नेशनल पार्टी वगैरह जो चाहती है कि मुसलमानों को ख़ास कर जो है वह उस मुल्क से निकाल देना चाहिए तो उन्होंने मुजाहरा करने की कोशिश की हमारे शहर में तो हमारी काउंसिल ने उसको बैन कर दिया और उसके बाद हमारे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी हमने थाउजेंड के हिसाब से मुजाहरा किया और अपनी सालिडरिटी जो है मुसलमानों के लिए और मसाजद के लिए की तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है लोगों की वो अच्छे लोग हैं और उन्होंने एथनिक मनार्टी कम्यूनिटी को अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया है सही सरवा साहब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हुए आपने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया और हमारी शदीद ख्वाहिश है दुआ है क्या अब आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी आए और और ऐसे बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बैरून मुल्क हमारी उनके साथ दुआएं हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इट वॉज अ रियल प्लेजर टू हैव यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट खातीन हजरात इसी के साथ ही हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है इन शाह तप से कल एक नई सुबह के साथ एक नए पैगाम के साथ एक नई उम्मीद के साथ मुलाकात होगी फारूक हसन और सुंदर जमील को दीजिए इजाज़त अल्लाह